हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं मेरे घर जाऊंगी, वहाँ पे तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या बनता है, क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या एंजॉय करते हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। मकर संक्रांति के दिन सुबह इस पे भोग लगाते हैं, जिसमें तिल, गुड़ और कांकड़े, बाजरा और तेल ऑयल डालते हैं इसमें। यहाँ पर भोग लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। हेलो गाइस, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको, बस पतंगों का आनंद लें। हम जा रहे हैं अपने घर, तैयार हो गए, सावधानी भी बरते और हम जा रहे हैं परी के मामा के चोरबा बाटी खाने के लिए। दीदी के साथ यहीं पतंग उड़ाओ आप, चलेगी तो पापा के साथ चलेगी, पापा को छोड़ूंगा। दीदी के साथ पतंग उड़ाना यहीं पे, यहाँ उड़ा रहे हैं सब पतंग ही पतंग, देखो कितने सारे सारे मकानों के साथ भी है ना, जो गाने भी चल रहे हैं और पतंग भी उड़ा रहे हैं। देखो लोग बाग बहुत बिजी हैं पतंग उड़ाने में। इधर वो दीदी भी उड़ा रही है। फेस्टिवल का माहौल यहाँ बहुत ही अच्छा है, देखो गाने चल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, मूंगफली की गजक खा रहे हैं, तिल की गजक खा रहे हैं। संतोष दीदी का गाजर का लोटा टेस्टी है। अब अच्छा दिया परो ये बीड़िया खोक करा दिया। ओए आ जाओ आ जाओ, नानी के पास ही हो। अरे ये तो कौन जाओ भैया मार के, अरे आ जाओ, आपकी बार तो आ गई जीजी के पास। हाँ। अच्छे से मेरे पास नहीं आई, मामा जी के पास भी चल जाओ। परो मामा के पास नहीं जाना, मामा जी मामो नहीं, अभी तो पहचान ही कहा। ये सुरावनी आ गई इसको खेलने के लिए, पर ये ना किसी की तरफ भी नहीं देख रही। भाई तो कर लोगे लेकिन बात मैंने परी मैंने ही लगाई थी। ये बन रहा है यहाँ भी गाजर का हलवा। इधर देखो फोटो लेनी है परू। ये डाल दिया गाजर की हल्दी अंदर, मावा मावा डाल दिया, मावा ये बन के कंप्लीट हो गया है गाजर का हलवा। एकदम टेस्टी।